खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले कोई लेकर आया तो वो डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी लेकर आए। शिक्षा में अगर सुधार लाना है तो शिक्षा की नीतियों में सुधार लाना चाहिए। जो इतने गंदे एरिया था यहाँ का, जो चलने लायक नहीं था, जो काम किया है उनके अलावा कोई किसी ने काम नहीं किया। मैनेजमेंट भाई साहब आप झूठे वादे क्यों कर रहे, बताते क्यों नहीं कब बनाओगे। केएनएन मीडिया की टीम आज पहुंची है नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में और मौका है दिल्ली के चुनाव का, तो ऐसे में जरूरी है लोगों की राय जानना कि धरातल पर क्या कुछ काम हुए हैं। हमारे साथ यहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे खुद जानते हैं कि नांगलोई में आम आदमी के विधायक रहे हैं, उन्होंने कितना विकास कराया है और आगे किस पार्टी का रुझान रहने वाला है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू खान है और मैं यहाँ पे करीबन 20 साल से रहता हूँ। मैं यहाँ पर देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पर कई सारे अब तक विधायक बन चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकास किया है हमारे बीच में बुज़ुर्ग भी और हमारे सीनियर भी हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी ने बहुत विकास किए हैं। अगर यहाँ पर लाइट सबसे पहले कोई लेकर आया तो वो डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी लेकर आए हैं। बाकी विधायक बहुत सारे हैं, इतना झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी इस टाइम पर प्रेजेंट में जो विधायक हैं उनके दफ्तर में कोई चला जाए, किसी का कोई काम नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हैं और उनको डरा धमका के भगाए थे तो अपनी वोट मत देना हमें। यहाँ डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी ने इतने काम किए हैं कि अगर उनके पास में कोई भी बंदा चला जाए आज तक कोई निराश होकर नहीं आया उनके यहाँ से। तो नांगलोई की इस वक्त बहुत बुरी हालत है और ये अगर छोटे मोटे कुछ काम भी किए गए हैं तो वो डर के वजह से कि इस बार हार ना जाएं आम आदमी पार्टी वालों ने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का आज डंका बज रहा है। मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा में सुधार, क्या मानते हैं, क्या हुआ है सुधार? देखिए, शिक्षा में एक आपको बिल्डिंग्स मिली हुई थी, आपने क्या क्या उसे रेनोवेट किया है। शिक्षा में अगर सुधार लाना है तो शिक्षा की नीतियों में सुधार लाना चाहिए, जो विद्यार्थी हैं उनमें सुधार आना चाहिए। बिल्डिंग खड़ी करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा करने से कोई सुधार नहीं हुआ, ये मेरा अपना मानना है। प्लस मैं नांगलोई विधानसभा की बात करूँगा तो मैं बहुत छोटा, मैं मेरा जन्म तो नहीं हुआ यहाँ बट मेरे पिताजी बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। तो सीरियसली मैं मतलब खेत खलिहान जैसा हुआ करता था और जो पहचान दिलवाई है, जो विकास कार्य यहाँ हुए, सच में रोड वोड्स पे ऐसी गलियाँ ऐसी थी कि आप किसी गली में आप निकल जाएंगे ना तो आपको ये नहीं पता आप क्रॉस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सेवरेज नहीं था, लोग पानी खुला रहता था और इसी मतलब जितने विकास कार्य हुए यहाँ पर कांग्रेस के टेन्योर में हुए हैं और मास्टर जी का मतलब बहुत समय से रहा है। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानचंद है। क्या मानते हैं, कांग्रेस में विकास हुआ या आम आदमी पार्टी में विकास हुआ? नहीं, जो इन्होंने काम किया बहुत अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। जो इतने गंदे जहाँ पर इन्होंने यहाँ का चलने काम किया है कि अब बच्चे भी अच्छे से खेलते हैं कूदते हैं, घर के आगे निकलो तो इतने इतने पानी भरे रहते थे। आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? अभी तो लगभग कम से कम 10 साल हो गया। क्योंकि साल हो गया तो देखा आपने वो आलम जब यहाँ पे गंदगी होती थी? हाँ, वो मैंने देखा हुआ है। तो किसने दूर की? अब बहुत अच्छा हो गई है, अब तो पहले के हिसाब बहुत ही अच्छा हो गया है। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वजीर खान। क्या मानते हैं, जनता इस बार किसका साथ देगी? जनता तो कांग्रेस का ही साथ देगी, कोई आम आदमी पार्टी ऐसी कोई ज़्यादा खास नहीं है, ना बीजेपी है। जो हमारे कांग्रेस के विधायक रहे डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जो काम किया है उनके अलावा कोई किसी ने काम नहीं किया जी। और बिल्कुल, क्या 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 नाम आपका? मेरा नाम रामवीर है और ये रघविंदर इतना झूठा है कि इसके मुकाबले का आदमी नहीं है नांगलोई में झूठा। मैं 4 बार इसके घर जाली वो ऑफिस पर जा लिया 2 गली बनाने के लिए, लेकिन ये इसने 4 बार मेरे से कही कि भाई अब बन जाएगी। 5वीं बार जब मैं गया, जब मैंने कही मैं भाई साहब आप झूठे वादे क्यों कर रहे, बताते क्यों नहीं कब बनाओगे, अरे यार ऐसे बोल रहे हो तुम वोट मत देना हमें। अच्छा, मगर भाई साहब हमने मदद कर रखी है आपकी, चले हमें मत देना वोट यार, ये तो हवा का इलेक्शन होता है, मेरे को कौन जानता है, ये तो हवा का इलेक्शन है, केजरीवाल की हवा तो मैं जीत जाता हूँ, नहीं मेरे पास नहीं काम कोई। इतनी नाराजगी क्यों है? अब नाराजगी नहीं है, जब वो सुनता ही नहीं है ना, वो काम करता 200 करोड़ रुपए का सीवर मास्टर जी लाए थे और आज तक भी वो काम पूरा नहीं हुआ, गलियों में सारा काम पेंडिंग है, कहीं रोड बनता है उल्टे सुलटे रोड बन गए सारे उल्टे सुलटे, जहाँ भी बने वो सीवर डले हैं, इसने कभी देखा नहीं है जाए कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है, ऑफिस में बैठा रहता है, कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? योगेश कुमार।
क्या मानते हैं जनता का मूड क्या है इस पर? जनता का मूड तो कांग्रेस ही है जी, जो काम क्या वजह है सभी कांग्रेस कह रहे हैं, कोई तो ये बता दो कि अभी जो विधायक रहे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी कुछ किया होगा? उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, हमारे 40 कुछ नहीं किया नहीं जी, हमारे 40 फुटे रोड पर काम किया था, वो काम ऐसा हुआ कि बिल्कुल दरारें आ गई थी, इतनी दरारें आई हैं, और हमारी तो बेइज्जती करता कहता हमारे को वो नहीं उम्मीद मत नहीं, सिवर भरे पड़े हैं, कोई काम नहीं, कोई लेना देना नहीं, जो काम मास्टर विजेंद्र के राज में हुए हैं उसके बाद में ना तो किसी बीजेपी ने करवाए ना ही आम आदमी पार्टी ने करवाए। क्या नाम है आपके आम आदमी पार्टी के विधायक? रघविंदर शौकीन। शौकीन साहब, जनता नाराज है काफ़ी विधायक जी से, और कहीं ना कहीं जो मूड है हमने भी देखा, कई लोगों से बातचीत की है, विकास कार्य हुए हैं वो डॉक्टर विजेंद्र रहे हैं, मास्टर जी पूर्व में विधायक रहे हैं, शायद उन्हीं का जिक्र सब लोगों ने किया है, हालांकि मुलाकात अभी नहीं हुई है, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या विकास किस तरह से नांगलोई का होगा और क्या आगे रूपरेखा रहने वाली है। नांगलोई से कैमरामैन विजेंद्र लठवाल के साथ अरुण कुमार।